हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे, और क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, और हम लोगों ने बेसिकली जो शुरू किया था वो ये कि उनके उनसे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में सॉरी बारे में क्वाड्रिलेटरल्स में जो रोम्बस होता है, काइट होता है, या स्क्वायर या वगैरह वगैरह, जितने सारे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं उससे रिलेटेड थ्योरम्स हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। किसे कहते हैं थ्योरम? ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, बात समझ आ रही है? और जिसको प्रूव नहीं कर सकते वैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सियोम। तो हम लोग एक्सियोम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। अलग बात है एक्सियोम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये बेसिक बात हो गई कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल्स शुरू किया था, उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ा था। आज भी हम लोग थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आज का जो थ्योरम होगा कुछ स्पेसिफिक होगा, वो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, है ना, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होंगी, उससे रिलेटेड थ्योरम्स जो होंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे थ्योरम्स है जो आप आर डी शर्मा में अगर आप देखें तो कई थ्योरम्स है, मैं उन्हीं थ्योरम्स को डिस्कस करूंगा जो एन सी आर टी में, ठीक? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला थ्योरम आज का, ठीक है? थ्योरम वन या जस्ट थ्योरम, कोई नंबर देने की जरूरत नहीं। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि ईच ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ईच ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है? थ्योरम क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में गिवन है कि इसको आपको प्रूफ करना है। वैसे आप जानते हैं कि चारों एंगल जो होता है रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सीधे प्रूफ में आते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं। आपको यह पता होना चाहिए कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पहले क्या है? पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके आमने सामने के साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। और ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। और जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये प्रूफ करना है। वैसे आप जानते हैं, लेकिन प्रूफ करना है एकदम सटीक वे में, हम लोग प्रूफ करने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है? जरा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है बताइए, आज पूरा एकदम अच्छे अच्छे से कर रहे हैं। गिवन क्या है बताइए? गिवन है रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्या गिवन है? रेक्टेंगल ए बी सी डी, ईच ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है? और कोई एक एंगल को 90 डिग्री मान सकते, चारों में एक ही एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन ये 91 होता है, लेकिन चारों को प्रूफ करना है। ये बेसिक कंडीशन है किसका? रेक्टेंगल होने का, कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। अलग बात है एक 90 होगा तो सारे 90 हो जाएंगे, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 90 तो ये भी क्या होगा? 90। उसके बाद ये दोनों मिलकर 180 होगा, तो ये 90 तो ये भी 90, तो प्रूफ हो जाएगा। अलग बात है रेक्टेंगल एबीसीडी सच दैट कोई एक एंगल ले लेते हैं, एंगल ए ही लेते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव सारे एंगल कितना होंगे? 90। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए तो गिवन है, हमको बी सी डी 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है? सीधे चलते हैं प्रूफ में, बेसिकली हमें प्रूफ की बात करनी है। तो प्रूफ में चलेंगे अगर, तो ए बी सी डी क्या है बताइए? ए बी सी डी सिंस, चूंकि ए बी सी डी क्या है? इज अ रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा? वो इम्प्लाई करेगा कि ए बी सी डी पैरालेलोग्राम भी होगा, और जो पैरालेलोग्राम होगा तो क्या होगा? ए डी और बी सी आमने सामने के साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है? ये पैरेललोग्राम का कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तो देखिए ए बी जो है ए डी और बी सी को ए और बी में जाके इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। क्या होगा ये बताइए?
ये हो गया हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ये पैरेलल होगा AD पैरेलल BC और AB उसको क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ये दोनों एंगल का समेशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सिंपल है। और हमें पता है कि एंगल ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसको अगर हम आगे लेके बढ़े, 90 डिग्री प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो इसको अगर आगे लेके बढ़े तो क्या हो जाएगा, एंगल A आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू, अरे अरे, एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू 180। तो एंगल B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से हम लोग B और C लेके कर सकते हैं, क्योंकि AB पैरेलल DC होगा। सिमिलरली वी कैन शो, सिमिलरली वी कैन शो एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। तो क्या इंप्लाई कर रहा है बताइए, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D बराबर 90 डिग्री। यही हमारा क्या था, क्वाड एरास डेमोन्स्ट्रेंडम, ऐसे कुछ हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसको हमको प्रूव करना था, दैट वाज टू बी शोन। तो जो हमें शो करना था, जो प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल में क्या कंडीशन है, कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ द एंगल इज इंटर एंगल इज 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो आपको ये प्रूफ करना है कि चारों के चारों एंगल्स 90 होंगे। वैसे ये सवाल बहुत ईजी है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी से ही ये थ्योरम लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन करें। चलिए दूसरे थ्योरम में हम लोग प्रवेश करते हैं। वैसे कई थ्योरम्स हैं, जैसे इसमें एक थ्योरम दिया हुआ है रोम्बस से रिलेटेड। क्या बोला है कि ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ। तो रोम्बस में भी आपका क्या होगा कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिनके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। चलिए इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, ईच, एनसीईआरटी का नहीं है, ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ, ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ रोम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ, इज ऑफ द सेम लेंथ। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए एक रोम्बस है, तो रोम्बस में हमें पता है ए बी सी डी क्या गिवन है, ए बी सी डी रोम्बस है, ये गिवन है, जस्ट मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब एडजेसेंट साइड गिवन हो, एडजेसेंट साइड रोम्बस का मतलब ये होता है कि ए बी सी डी रोम्बस है, मैं लिखा नहीं, ए बी सी डी रोम्बस इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी, एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। तो हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे, चूंकि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, चूंकि क्या है बताइए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और जब पैरेललोग्राम होगा तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, और साथ में ए बी डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं, वन और टू को मिलाएं अगर, फ्रॉम वन एंड टू ए बी डी सी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है, दैट इज ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, क्योंकि ए बी बराबर डी सी है, सी डी बराबर डी है। और अगर तो हो गया, चारों साइड्स इक्वल हो गए, सिंपल सी बात है।
तो ऐसे दिखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। तो मैं थ्योरम 3 इसमें नहीं कर रहा हूँ, थ्योरम 4 नहीं कर रहा हूँ, 5 नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कौन सा करूँगा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला थ्योरम 6 है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूफ करेंगे। इसको आप नोट डाउन करना है, कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बताइए, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूफ करना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है एक दूसरे के बीच कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था जो एनसीईआरटी वाला है उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ये एक रोम्बस है ए बी सी डी, ए बी सी डी इनके डायगोनल्स हैं, ठीक है, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो ओ में कर रहा है, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, ठीक है। क्या क्या गिवन है, गिवन है रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, रोम्बस ए बी सी डी है हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी, डायगोनल्स कौन कौन है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इतनी सारी बातें जो डायगोनल्स की बात है। और टू प्रूव कि ये वाला जो एंगल होगा 90, सारे एंगल 90 होंगे, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए, ये सब कितने होंगे, 90 डिग्री। कोई एक प्रूफ करने से ही सारे 90 हो जाएगा, क्योंकि एक 90 होगा तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90, इसका ऑपोजिट 90 होगा, सिंपल सी बात है। सीधे हम लोग चलते हैं प्रूफ में, क्योंकि बेसिक बात है प्रूफ करना, मतलब प्रूफ एक्चुअल बात है, तो जस्ट फॉर्मेलिटीज है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोगों ने क्या जाना है कि अगर वो रोम्बस है, जो रोम्बस होगा वो साथ में क्या होगा, पैरालेलोग्राम होगा, और जब पैरालेलोग्राम होगा तो उनके जो डायगोनल्स है वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अभी हमने प्रूफ किया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों साइड्स उसके इक्वल होंगे, वैसे एडजेसेंट इक्वल होते हैं तो उससे प्रूफ हो जाता है कि चारों साइड्स इक्वल होंगे, जो हमने जस्ट प्रीवियस एक थ्योरम में प्रूफ किया, पूरा मैंने करके नहीं दिया लेकिन आप उसको कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी रोम्बस है, और ये इंप्लाई कर रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस होगा तो जरूरी है पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि उसके जो डायगोनल्स हैं क्या करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और जब बाइसेक्ट करेगा तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी, ये भी हम लोगों ने जान लिया, इतनी सारी बातें हम लोगों ने जान लिया, क्योंकि रोम्बस होगा तो चारों साइड से इक्वल होंगे, और रोम्बस होगा तो पैरालेलोग्राम होगा, और जब पैरालेलोग्राम होगा तो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। हम लोग जानेंगे अब बी ओ सी और डी ओ सी के बारे में, बी ओ सी और डी ओ सी इन ट्राइंगल, इसको आप नोट डाउन कर लें, चलिए मैं ही कर दे रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, इसको अगर देखें गौर से तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर डी सी, बी सी बराबर डी सी, ठीक है, पहले हमने देख लिया बी सी बराबर डी सी, उसके बाद ओ सी बराबर ओ सी कॉमन है, और क्या होगा,
और ओ बी बराबर ओ डी, अभी हमने जाना ऊपर, ओ बी बराबर ओ डी, तो क्या हो गया, इम्प्लाई कर रहा है कि ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसका, डी ओ सी का, किससे, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। जब ऐसा होगा तो एंगल बी ओ सी बराबर एंगल डी ओ सी होगा। इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल बी ओ सी बराबर एंगल डी ओ सी, इसको एक्स मान लेते हैं, है ना, से ये क्या हो गया सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ऐसा होगा, तो अब देखिए ये दोनों मिलके एक्स प्लस एक्स, ये दोनों, ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स है, दोनों मिलके 180 होगा, एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम, सिंपल सी बात है, ऐसा है तो ये दोनों मिलके क्या होगा 180 होगा, कोई प्रूफ नहीं है। एक्स एक्स क्या होगा 2x बराबर 180 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 तो ये भी 90 तो ये भी 90 तो ये भी 90, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, मेरी बात समझ आ रही है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, यही हमारा क्यू ई डी, ठीक से नोट डाउन कीजिएगा, इधर से जाने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ आएगा। क्वेश्चन क्या था फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि रोम्बस है जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि रोम्बस है तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम होगा तो उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये हमने इस्तेमाल किया, और रोम्बस होगा तो चारों साइड इक्वल होंगे, तो उसमें हमने बी ओ सी और डी ओ सी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बाई एस 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 प्रूफ किया, उसके बाद उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ा और लीनियर पेयर एक्सियोम का इस्तेमाल किया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, अच्छे से नोट डाउन करें, मैं एक मिनट दे रहा हूँ उस पर। चलिए इसी थ्योरम के कॉन्वर्स पे हम लोग चलते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको कन्वर्स कहते हैं, ऑपोजिट तो नहीं बोलेंगे, कन्वर्स बोलते हैं। इस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहेगा, जैसे यहाँ पे रोम्बस है तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। अब क्वेश्चन है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट्स रोम्बस, आर परपेंडिकुलर देन इट्स अ रोम्बस, मतलब रोम्बस होगा तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। तो अब ये प्रूफ करना है कि अगर पैरेललोग्राम है और उनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पे, 90 डिग्री पे, तो वो क्या होगा रोम्बस होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, और इनमें डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है कितने पे, 90 डिग्री में, ओ पे गिवन, क्या गिवन है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है और बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन विच ए सी, इन विच ए सी परपेंडिकुलर किसका, बी डी का,
ठीक है, 90 डिग्री में इस तरह से, ठीक है। ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये गिवन है। और क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव जो ए बी सी डी होगा रोम्बस होगा, टू प्रूव ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है वो इज अ रोम्बस, प्रूफ कर देंगे। प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में चलने के साथ हम लोग क्या करेंगे, ए सी और बी इतना ठीक है बाइसेरीजर, हम लोग क्या जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो उनके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो वो तो हम लोग जानते ही हैं। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये इम्प्लाई करेगा कि ए सी डायगोनल्स क्या करेगा, बाइसेक्ट ईच अदर। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा बताइए, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। पीछे हम लोगों ने किया, कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे ए ओ डी और सी ओ डी, ए ओ डी और सी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, क्या क्या होगा बताइए। ए ओ डी और सी ओ डी में अगर देखें, ओ डी ओ डी के बराबर होगा ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ डी, और हमको पता है ये 90, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए, डी ओ ए बराबर एंगल डी ओ सी क्या होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है सारा। तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्लाई कर रहा है कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसका, सी ओ डी का, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ऐसा होगा तो क्या होगा, हमें प्रूफ करना है ये रोम्बस होगा, रोम्बस होगा दैट इज ए डी बराबर डी सी, यहाँ से प्रूफ हो गया। इम्प्लाई कर रहा है कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, ये हो गया हमारा। और ए डी बराबर सी डी इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया, और हम जानते हैं चूंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये इम्प्लाई करेगा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी एंड ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, इसको टू मान लेते हैं। वन और टू को अगर हम कंबाइन करें, फ्रॉम वन एंड टू, ध्यान से देखें, ए डी सी डी के बराबर है, और सी डी फिर किसके बराबर, ए बी के बराबर है, ठीक है ना, और ए डी बी सी के बराबर है, सब बराबर हो जाएगा, दैट इज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये इम्प्लाई कर रहा है चारों साइड इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, क्यू ई डी। जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपको प्रूफ करना है, अगर वो पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स एक दूसरे के बीच जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बनाएगा, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, वो रोम्बस होगा। तो हमने क्या किया, सब कुछ हम लोगों ने लिखा कि ए बी सी डी रोम्बस, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, और जब पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, उसका इस्तेमाल किया, और ये 90 डिग्री, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ए डी बराबर डी सी निकल के आ गया। उसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम के कंडीशंस को हम लोगों ने लिखा, उसके बाद दोनों को एक साथ करके फिर ये प्रूफ कर दिया कि चारों साइड्स इक्वल होंगे, और जब चारों साइड्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, रोम्बस होगा, यही हमें प्रूफ करना था। एक लास्ट हमारा थ्योरम बचा है वो हम लोग करेंगे, इसको आप नोट डाउन करें। चलिए उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे हैं तो पॉज करके उतार लीजिए।
थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, then the parallelogram is a square, then the parallelogram is a square. ठीक है, अब क्या है कि अगर parallelogram है और उनके जो diagonals हैं वो intersect करेगा right angle पे, तो वो क्या हो जाएगा, और equal भी होगा साथ में. तो मैं करा रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या बना लें, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर ही प्रूव करना है तो स्क्वायर टाइप के बनाएंगे. ए बी सी डी, इनके डायगोनल्स क्या होंगे, बी डी एंड ए सी. ख़राब फिगर बन रहा है ना, और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इक्वल होगा तो क्या होगा बताए, और 90 डिग्री में ही इंटरसेक्ट करेगा. तो क्या कह रहा है बताइए, गिवन क्या गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये गिवन है. और क्या गिवन है कि ए सी बराबर बी डी बराबर है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल तो ए सी बराबर बी डी ये गिवन है, और 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल. ए सी नॉर्मल है किसका, बी डी का, ये गिवन है. टू प्रूव ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर होने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल भी होना पड़ेगा और रॉम्बस भी होना पड़ेगा, चारों साइड्स भी इक्वल होने पड़ेंगे और चारों एंगल 90 डिग्री का होना पड़ेगा, मतलब इक्वल होना पड़ेगा. सीधे प्रूफ में चलते हैं. प्रूफ में अगर चलें क्या क्या ट्रायंगल हैं, ए ओ बी और ए ओ डी. इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ बी एंड ए ओ डी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी, और ये पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेगा, ओ बी बराबर ओ डी और ओ ए बराबर ओ ए, ऐसे ऐसे कर सही हो जाएगा. और बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं वैसे, ए बी बराबर ए ओ बराबर ए ओ, ये तो हमारा कॉमन हो गया, इसके ही रिस्पेक्ट में कर लेते हैं. और ए ओ बी और ए ओ डी, एंगल ए ओ बी, वैसे एस 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 से भी हो जाएगा, ए ओ डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री गिवन है हमारा. और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी क्यों ऐसा, क्योंकि क्या करता है, क्योंकि स्क्वायर ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. तो ये इम्प्लाई कर रहा है, ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ डी का, किससे, बाई एस ए एस. और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, दैट इज इम्प्लाई कर रहा है ए बी बराबर ए डी, सी पी सी टी. ओके, अब ए बी बराबर ए डी हो गया, और जानते हैं कि हम लोग ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी एंड ए डी बराबर बी सी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, इसको हम लोग वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं. वन और टू को देखें तो क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी हो जाएगा, जो हम लोगों ने पीछे भी किया, इसको करने की ज़रूरत थी नहीं. ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एक कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई कर गया कि स्क्वायर का, कि चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब हमें ये प्रूफ करना है कि चारों जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री का, एक हो जाएगा तो अपने आप चारों हो जाएगा. बात समझ आ रही है, ये रोम्बस वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, और साथ में रेक्टेंगल भी होना चाहिए, एक ऐसा पैरेललोग्राम जो रोम्बस भी हो और रेक्टेंगल भी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं. तो हमने रोम्बस प्रूफ कर दिया, अब क्या प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एक एंगल को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री. तो हम लोग लेंगे अब दूसरा ट्रायंगल, पहले इतना उतार लें, फिर हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके,
चलिए, तो हमने रोम्बस प्रूफ किया, अब रेक्टेंगल प्रूफ करना है। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी डी और बी ए सी। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ए बी डी और बी ए सी, ए बी और बी ए कॉमन, ए बी बराबर बी ए, ये क्या है? कॉमन है, ये हो गया हमारा। और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे ही। ए डी और बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी गिवन है, बी डी बराबर ए सी, ये क्या है बताइए? गिवन है, तो इम्प्लाई कर रहा है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी का बाई एस एस एस। ओके, ऐसा होगा तो ठीक है। अब क्या होगा? डी ए बी और सी बी ए, डी ए बी और सी बी ए एंगल, ये इम्प्लाई कर रहा है डी ए बी और सी बी ए बराबर होगा सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। डी ए बी बराबर क्या होगा? सी बी ए, तो ये जो हमारे ये वाले हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा, इसी को हम एक्स मान लेते हैं। ये दोनों मिलके अब कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है, पैरेललोग्राम में तो क्या है? पैरेलल है, तो x प्लस एक्स बराबर क्या होगा? 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इससे हम लोग आगे भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ये 90 हो गया, ये 90 हो जाए तो ये रेक्टेंगल हो गया, जब ये रेक्टेंगल होगा तो चारों एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। 90 तो ये भी 90, ये 90 तो हो ही गया, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90 हो गया। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर क्या आएगा? 90 डिग्री। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था? कि रोम्बस है और साथ में रेक्टेंगल भी प्रूफ हो गया, और जो रोम्बस भी हो और रेक्टेंगल भी हो वही क्या है हमारा? देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, लिख दीजिएगा इसको इक्वेशन, वो जो भी था इक्वेशन कुछ मान के दोनों कंबाइनिंग बोथ, हम ये प्रूफ कर दिए कि ए बी सी डी क्या है? रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, और ऐसा पैरेललोग्राम जो रोम्बस भी हो और रेक्टेंगल भी हो वही हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा प्रूफ करना था। ओके, अब आप क्या करेंगे? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज तो नहीं, पेज नंबर यहाँ 13.42 है आपकी किताब, पता नहीं कौन सा एडिशन का है, नहीं पता मुझे, आर डी शर्मा का मैं बता रहा हूँ, 13.42 में लेवल वन और लेवल टू क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3, पेज नंबर 13.42 में एक्सरसाइज 13.3 आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। और जिसको ये बात नहीं समझ आई, ये आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका क्या होमवर्क है, आप परेशान ना हो। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।